हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर, उसी के गेट के बाहर हम खड़े हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये रोड सीधे चला जाएगा घंटाघर रेती चौक, और इधर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय। दोस्तों, आज मैं यहाँ का ब्लॉग वीडियो शूट करके आपको दिखाने वाला हूँ। इस ब्लॉग वीडियो में आपको मैं स्पेशली तौर पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे MRI और CT स्कैन कहाँ होता है और इस अस्पताल की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सुविधा और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो इस समय हम हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। सामने आपको यहाँ पे वाहन पार्किंग का स्थान दिखाई दे रहा होगा। इसके बगल में सफाई का जो भी व्यवस्था है, कूड़ा कबाड़ा इसमें फेंका जाता है। इसके सामने ठीक आपको यहाँ पे समाज कल्याण का ऑफिस देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये है सदर हॉस्पिटल जहाँ पे फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, और सामने ये जो आपको गेरुआ कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, इसी बिल्डिंग में आपका CT स्कैन होता है, और इसके बगल में आपको क्षेत्रीय निदान केंद्र का ऑफिस देखने को मिलेगा, और ये रोड आपका सीधे इमरजेंसी गेट की तरफ चला जाता है। तो आइए नज़दीक चल के देखते हैं कि आपको यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस समय हम CT स्कैन रूम के बगल में ही खड़े हैं, और सामने आपको यहाँ पे प्राइवेट वार्ड देखने को मिल रहा है, और इसके बगल में ये जो सीधे रोड जाता है, ये ब्लड बैंक रूम तक चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे MRI का रूम बनकर तैयार है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे MRI की मशीन नहीं लगी हुई है, अभी ये वार्ड बंद है। तो आइए चलते हैं CT स्कैन रूम के पास और देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे कितने लोग एकत्रित रहते हैं। सामने आपको यहाँ पे ब्लड बैंक का लोगो दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इस समय हम CT स्कैन रूम के बगल में आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए बंदर तार से होकर किस तरह अपने आप को बचाकर दूसरे बिल्डिंग पे कूद जाता है, और इधर है आपका CT स्कैन का वार्ड। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ लोग बैठे हैं क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, सुबह से लेकर शाम तक ये ऑफिस खुला रहता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। सामने आपको यहाँ पे डिजिटल एक्सरे CT स्कैन का लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और इस समय हम CT स्कैन वार्ड के अंदर आ चुके हैं। सामने आपको यहाँ पे CT स्कैन का रूम दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे देखिए तमाम आपको हवलदार, कांस्टेबल, होमगार्ड दिखाई दे रहे होंगे, जो लोग आए हैं यहाँ पे अपने मुजरिम या फिर अपने वादी को लेकर CT स्कैन करवाने के लिए। देखिए चारों तरफ यहाँ पे आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी तगड़ी भीड़ लगती है, यहाँ पे प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इधर है डॉक्टर रूम, उसके बाद आपको कंसोल रूम देखने को मिलेगा, उसके बगल में आपको CT स्कैन का रूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यहाँ पे 5 बजे के बाद ही रिपोर्ट दिया जाता है, उससे पहले यहाँ पे CT स्कैन और एक्सरे होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।